हेलो एवरीवन, आज हम इंटरनेशनल रिलेशंस के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चंस दोनों मीडियम में हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। अगर आप चैनल के टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ जाकर आप चैनल से जुड़ सकते हैं। सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करिएगा और आप जो भी स्कोर गेट करते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर मैंशन करिएगा। ये मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच मेंबर स्टेट ऑफ आशियान हैड ज्वाइंट दिस रीजनल ऑर्गेनाइजेशन इन 1999? हिंदी में, 1999 में आशियान का कौन सा सदस्य राज्य इस क्षेत्रीय संगठन में शामिल हुआ था? म्यांमार, कंबोडिया, वियतनाम या लॉस? बताइए। वीडियो को पॉज किया करिए और आंसर लिखा करिए। लास्ट में आप देखिए कि आप कितने क्वेश्चंस करेक्ट कर पा रहे हैं। अब इसका आंसर बताइए। देखिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, कंबोडिया 1999 में आशियान का मेंबर बना था। आशियान को बनाने के पीछे कहाँ कहाँ की गवर्नमेंट थी? इंडोनेशिया की, मलेशिया की, फिलीपींस की, सिंगापुर की और थाईलैंड की। 1967 में आशियान बना था किस लिए? टू एक्सेलरेट द इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल प्रोग्रेस एंड टू प्रमोट पीस एंड सिक्योरिटी, जिससे कि शांति और सुरक्षा बनाई जा सके साउथ ईस्ट के एरियाज में। और बाकी कंट्रीज ने कब कब ज्वाइन किया? देखिए, ब्रुनोई ने ज्वाइन किया 1984 में, वियतनाम ने 1995 में, लाओस और म्यांमार ने 1997 में और कंबोडिया 1999 में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए, सेकेंड क्वेश्चन में आपको कंट्री दी हुई है और इवेंट्स, आपको बताना है कि किस कंट्री में कौन सा इवेंट हुआ था। जापान है, इंडोनेशिया है, इंडिया है, सोवियत यूनियन है, बताइए। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ऑप्शन देख लीजिए और इनको मैच कराइए कि यूनियन कार्बाइड डिजास्टर किस कंट्री में हुआ था इनमें से। फुकुशिमा डिजास्टर कहाँ हुआ, सुनामी 2004 में कहाँ आई थी और चेर्नोबिल डिजास्टर कहाँ हुआ था। एक एक करके आप देखिए। देखिए, सबसे पहले है जापान। जापान में क्या हुआ? जापान में फुकुशिमा डिजास्टर हुआ था। किस साल में? 2011 में हुआ था। पहले अर्थक्वेक आया, फिर सुनामी आई और उसका रिजल्ट क्या हुआ कि फुकुशिमा न्यूक्लियर जो प्लांट था वो उसकी चपेट में आ गया था। बी है इंडोनेशिया, यहाँ पर सुनामी 2004, यहाँ पर भी सबसे पहले अर्थक्वेक आया था फिर सुनामी आई थी, अक्रॉस द इंडियन ओशन आई थी और तकरीबन 2.5 लाख लोग मरे थे 2004 में। फिर है इंडिया। इंडिया में कौन सा इवेंट हुआ? देखिए, दो बचा है, यूनियन कार्बाइड डिजास्टर और चेर्नोबिल डिजास्टर। इंडिया में हुआ था यूनियन कार्बाइड डिजास्टर। कई लोग इस नाम से नहीं जान पा रहे होंगे, देखिए इसी का ही नाम है भोपाल डिजास्टर। भोपाल गैस ट्रेजेडी जो हुई थी उसे ही हम यूनियन कार्बाइड डिजास्टर भी कहते हैं। कब हुई थी? 1984 में। क्या हुआ था वहाँ पर? वहाँ पर मिथाइल आइसोसाइनाइड जो गैस है वो लीक हो रही थी। कहाँ से? यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड पेस्टिसाइड प्लांट से। डी है सोवियत यूनियन। एक ऑप्शन केवल बचा, यानी कि चेर्नोबिल डिजास्टर सोवियत यूनियन में हुआ था। कब? 1986 में। ये एक न्यूक्लियर एक्सीडेंट था, ये चेर्नोबिल न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट था यूक्रेन के चेर्नोबिल शहर में, वहीं पर ये डिजास्टर हुआ था। अब इसका आंसर देख लीजिए आप। देखिए, ए का सेकंड है, ए का सेकंड, बी का थर्ड, सी का फर्स्ट और डी का फोर्थ, यानी कि इसका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको इसका आंसर मिल गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ये चार ऑपरेशंस दिए हुए हैं, इन्हें लगाना है। आपको इनको ईयर वाइज लगाना है कि सबसे पहले कौन सा ऑपरेशन किया गया था, उसके बाद कौन सा ऑपरेशन। ऑपरेशन पवन है, ऑपरेशन टोर्नाडो है, ऑपरेशन राहत है और ऑपरेशन मेघ दूत है, बताइए। अगर आपको इनका ईयर पता होगा तभी तो आप इन्हें लगा पाएंगे असेंडिंग ऑर्डर में। सबसे पहले देखिए, ऑपरेशन पवन, जिनको आता है बहुत अच्छी बात है और जिनको नहीं आता वो भी सारे क्वेश्चंस लगाया करें। सारे क्वेश्चन लगाएंगे तभी तो आप कुछ नया जानेंगे, कुछ नए टॉपिक से आपका सामना होगा।
कि ये भी एग्जाम में आ सकता है, कुछ नए कंसेप्ट आप जानेंगे, इसलिए क्वेश्चन आप लगाया करिए। फर्स्ट है ऑपरेशन पवन, ये किस साल हुआ था? ये 1987 में हुआ था। इसमें हुआ क्या था, किसने ये ऑपरेशन चलाया, ये भी आपको पता होना चाहिए। देखिए ये ऑपरेशन श्रीलंका में इंडिया की आर्म फोर्स ने चलाया था। श्रीलंका में देखिए क्या था कि वहाँ पे तमिल लोग थे और सिंहाली लोग थे, और इन दोनों ही ग्रुप्स के बीच में बहुत ज़्यादा एक डिफरेंसेस थे, और इसी बीच सिंहाली की सरकार बन गई, तो उन लोगों ने तमिल के जो लोग थे, तमिलियन थे, उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव करना स्टार्ट किया दिया था। उन्हें बहुत बैडली ट्रीट किया करते थे, स्कूल कॉलेजेस हर जगह जाने से उनकी मनाही हो चुकी थी, और वो यहाँ तक कि तमिलियन लोग तो परेशान होकर अलग देश की ही मांग करने लगे थे। और इन सब के बीच में फिर श्रीलंका और इंडिया में एक पीस अकॉर्ड साइन किया गया, जिसमें कि शर्त ये थी कि इंडिया ने कहा कि इंडिया की पीस कीप आर्मी फोर्स अब श्रीलंका में रहेगी आज से, और जब तक वहां पर पीस स्थापित नहीं कर लेती, ये फोर्स वहां से नहीं आएगी। अब यहां से फोर्स चली गई। अब जो वहां पर लिट्टे जो ग्रुप था, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम, ये लिट्टे का फुल फॉर्म था। अब वहां पर लिट्टे ग्रुप को ये पता चला कि हाँ, इंडिया से कोई फोर्स आ रही है यहां पर, और जब ये फोर्स वहां पहुंच गई तो लिट्टे ग्रुप ने क्या करना शुरू कर दिया कि इन्होंने जो सोल्जर्स इसमें थे उन पर अटैक करने शुरू कर दिए, चोरी छुपे उनको मार देना। तो इस सब चीज़ों से जो वहाँ की हमारी जो फोर्स वहाँ पर गई थी, उन लोगों ने सोचा कि हमें इन्हें रिटेलिएट करना पड़ेगा, हमें लिट्टे के या तो बड़े कमांडर्स को हम पकड़ लें, या जहाँ पर इनकी संस्था चल रही है हम वहाँ पर कुछ नुकसान इनको पहुँचा सके। कुल मिलाकर इनका यही एम था कि श्रीलंका में पीस हो, और लिट्टे ग्रुप यही नहीं चाहता था। फिर इंडिया की जो फोर्स थी उसने प्लान बनाया, और उस ऑपरेशन का नाम रखा ऑपरेशन पवन 1987 में, जिसमें कि इनको ये पता चला था कि लिट्टे के जो बड़े कमांडर्स हैं उनकी मीटिंग जाफना सिटी में होने वाली है। तो इन लोगों ने प्लान किया कि हम हेलीकॉप्टर से वहाँ उतर कर जाएंगे और वहाँ पर जो उनके बड़े कमांडर्स हैं उनको अरेस्ट कर लेंगे, उनको मार देंगे। पर इस सारी बात की खबर लिट्टे ग्रुप को पता चल चुकी थी। जब ये वहाँ पर गए, हेलीकॉप्टर से एक के बाद एक जवान उतरने लगा, लिट्टे ग्रुप ने भी एक जवाब में बहुत गोलीबारी की, और उसका क्या रिजल्ट हुआ कि हमारे कई जवान वहां पर मारे गए थे, और ऑपरेशन पवन को फेल करार दे दिया गया। ये ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। सेकंड है ऑपरेशन टोर्नाडो, ये किस ईयर में हुआ? ये 2008 में हुआ। आप इसे जानते होंगे, देखिए ये मुंबई अटैक है, अटैक का ऑपरेशन है ऑपरेशन टोर्नाडो, जिसे एनएसजी ने चलाया था। 26/11 का जो अटैक हुआ था भारत में, ताज होटल उसका एक मुख्य सेंटर था, वहीं पर जो एनएसजी ने ऑपरेशन चलाया था उसे ऑपरेशन टोर्नाडो या ऑपरेशन ब्लैक टोर्नाडो कहा जाता है, क्योंकि सारे आतंकवादी वहां पर जो आए थे वो कहीं छुप गए थे किसी होटल में। जितने जगह उन लोगों ने हमले किए थे, जितने जगह उन्होंने बम ब्लास्ट किए थे, वो अंदर से अटैक छुप कर वहां से बंदूक चला रहे थे, वहां से बम फेंक रहे थे। इस सबसे एनएसजी ने ऑपरेशन चलाया और उसका नाम रखा ऑपरेशन टोर्नाडो, ताकि हम उन टेररिस्ट को पकड़ सकें। ऑपरेशन राहत, ये किस साल में हुआ? ये 2015 में हुआ। इसे भी इंडियन आर्म फोर्स ने ही चलाया था। किस लिए? टू इवैक्यूएट इंडियन सिटीजंस एंड फॉरेन रेशनल्स फ्रॉम यमन। 2015 में जो भी इंडियन सिटीजंस यमन में फंस गए थे, क्योंकि यमन में सिविल वॉर चल रहा था, मसूर जो वहाँ की गवर्नमेंट लीड कर रहे थे और जो हाउथी आर्म मूवमेंट के लोग थे, इन दोनों ही ग्रुप्स के बीच में गवर्नमेंट बनाने को लेकर के एक लड़ाई चल रही थी। तो वहाँ पर जो इंडियन सिटीजन फंस गए थे यमन में, उनको निकालने का काम इंडियन आर्म फोर्स ने शुरू किया, और उस ऑपरेशन का नाम रखा ऑपरेशन राहत। फोर्थ है ऑपरेशन मेघदूत, ये किस साल में हुआ? ये 1984 में हुआ। ये भी एक कोड नेम था इंडियन आर्म फोर्स का, किस लिए? टू कैप्चर द सियाचिन ग्लेशियर इन कश्मीर रीजन। सियाचिन ग्लेशियर पर अधिपत्य स्थापित करने के लिए हमारी आर्म फोर्स ने ये ऑपरेशन चलाया था, क्योंकि देखिए 1949 में जो कराची एग्रीमेंट हुआ इंडिया पाकिस्तान के बीच में, उसमें भी कुछ डिसीजन नहीं लिया गया इस मुद्दे पर, सियाचिन को लेकर। 1972 का सिम्बा समझौता हुआ, उसमें भी इस पर कोई बातचीत नहीं थी। इन सब का फायदा उठाकर जो पाकिस्तान ने क्या करना शुरू किया कि अपने पर्वतारोहियों को वो वहाँ पर भेजना शुरू कर दिया।
जब इसकी खबर इंडिया को मिली तो इंडिया ने ऑपरेशन मेघदूत चलाया। भारतीय सेना ने पाकिस्तान आर्मी को वहां से सक्सेसफुली हटा दिया और ये ऑपरेशन कब तक 1984 से 2002 तक चला और भारत की इसमें विजय हुई। अब इसका आंसर देखिए, ऑपरेशन पवन आपको पता चल गया कि 1987 में हुआ था, ऑपरेशन टोर्नाडो 2008 में, ऑपरेशन राहा 2015 में और ऑपरेशन मेघदूत 1984 में। फोर्थ, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड यानी कि फोर्थ ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है, सॉक एंड आर टैक्टिक्स वर यूज्ड इन वन ऑफ द फॉलोइंग। सॉक और आर टैक्टिक्स का इस्तेमाल कहां पर किया गया था बताइए, गल्फ वॉर फर्स्ट में, गल्फ वॉर सेकेंड में, ग्लोबल वॉर टेरर में या वर्ल्ड वॉर सेकेंड में। इसको सदमा और भय भी कह सकते हैं। इस रणनीति का इस्तेमाल किस वॉर में किया गया था? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑपरेशन, देखिए बी, गल्फ वॉर सेकेंड। यहीं पर क्या हुआ था कि यूएस ने ये टैक्टिक्स अपनाई थी, सदमा और भय की, सॉक एंड आ की टैक्टिक्स अमेरिका ने अपनाई थी। इराक पर जब वो हमला कर रहा था तो उसने तकरीबन 2000 से 3000 बॉम्ब गिराए थे। क्यों इराक पर गिराए थे? क्योंकि इराक कुछ ऐसे वेपन्स डेवलप कर रहा था जो कि बहुत मास डिस्ट्रक्शन का कारण बन सकते थे। और दूसरा कारण ये था कि सद्दाम हुसैन की जो गवर्नमेंट थी उसका एक अच्छा संबंध टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से होना। इन दो कारणों की वजह से यूएस ने सॉक और आर टैक्टिक्स का इस्तेमाल किया था गल्फ वॉर सेकेंड। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। थर्ड क्वेश्चन में देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, ये ऑर्गेनाइजेशन है और कंट्रीज है। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन किस कंट्री में फाउंड हुआ था या काम करता है आपको बताना है। जैसे मोहम्मद है, आईएसआईएस इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया है, तालिबान है, इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज्बेकिस्तान है। आप मैच कराइए और देखिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ में से कौन सा आंसर सही होता है। सबसे पहले जैसे मोहम्मद, देखते हैं हम इनको लाइन वाइज। जैसे मोहम्मद कहाँ का ऑर्गेनाइजेशन है? ये पाकिस्तान का ऑर्गेनाइजेशन है। ये पाकिस्तान बेस्ड इस्लामिक टेररिस्ट ग्रुप है। ये 2000 में बना था, किसके द्वारा? मसूद अजहर के द्वारा। इसका मेन मकसद क्या था? टू सेपरेट द कश्मीर फ्रॉम इंडिया। और आईएसआईएस कहाँ काम करता है? आईएसआईएस सीरिया में काम करना इसने स्टार्ट किया था 1999 से। तालिबान ये अफगानिस्तान बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये 1994 से काम करना स्टार्ट किया था। लास्ट है इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज्बेकिस्तान, ये सेंट्रल एशिया का ऑर्गेनाइजेशन है। यानी कि ए का सेकेंड हो गया, बी का फर्स्ट हो गया, सी का फोर्थ और डी का थर्ड, यानी कि इसका ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वॉर्स प्रिमिटिव एयर स्ट्राइक वॉज सक्सेसफुली लॉन्च्ड बाय इजराइल। निम्नलिखित में से किस युद्ध में इजराइल द्वारा प्रिमिटिव एयर स्ट्राइक सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था? अरब इजराइल वॉर ऑफ 1967 में, अरब इजराइल वॉर ऑफ 1973 में, अरब इजराइल वॉर ऑफ 1947 में या इजराइल लेबनन वॉर में? बताइए इसका आंसर क्या होगा। कहां पर इसराइल ने प्रिमिटिव एयर स्ट्राइक का इस्तेमाल किया था? देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, अरब इसराइल वॉर ऑफ 1967 में, इसराइल में और सीरिया, इजिप्ट और जॉर्डन स्टेट्स में ये वॉर चल रहा था। 60 दिन ये वॉर चला था और फाइनली इसराइल जीता था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेवन है, Who articulated the एटम फॉर पीस कंसेप्ट? शांति की अवधारणा के लिए एटम फॉर पीस की अभिव्यक्ति किसने की? डी एस एन हावर ने, डब्ल्यू विल्सन ने, जे एफ कैनेडी ने, डब्ल्यू क्लिंटन ने? बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए,
डी एशनहावर ने, ये यूएस के प्रेसिडेंट थे, इन्होंने ही स्पीच दी थी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में न्यूयॉर्क में 1983 में, और उस स्पीच का ही टाइटल था एटम फॉर पीस। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एट्थ क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आशियान्स हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी, निम्नलिखित में से कौन सा आशियान सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय है? फॉरेन मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस ऑफ आशियान, आशियान रीजनल फोरम, आशियान प्लस थ्री या आशियान समिट? इनमें से बताइए कि कहां पर आशियान के जो सबसे हाईएस्ट डिसीजन सर्वोच्च निर्णय होते हैं वो कहां पर लिए जाते हैं। ये इजी क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, आशियान समिट में ही आशियान के जो बड़े बड़े फैसले होते हैं वो लिए जाते हैं। अब आशियान का हेडक्वार्टर जकार्ता में है और इसकी जो चेयरमैनशिप है, पता होना चाहिए आपको कि ये रोटेट होती है, जो मेंबर स्टेट्स हैं उनके जो नेम है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, ये एनुअली उनके बीच में इसकी चेयरमैनशिप रोटेट होती रहती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए यहाँ पर पार्टी है और कंट्रीज हैं, आपको मैच कराना है कि कौन सी पार्टी किस कंट्री की है। पार्टी फॉर पीस डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट, रेवोल्यूशनरी यूनाइटेड फ्रंट, नेशनल रेजिस्टेंस मूवमेंट, प्रोमो लिबरेशन फ्रंट। बताइए, यूथोपिया है, मोजाम्बिक है, सीरिया लियोन है, युगांडा है। ये थोड़ा सा आपके लिए बताना टफ होगा क्योंकि कई लोग तो इसका नाम ही पहली बार सुन रहे होंगे। जिनको आता है बहुत अच्छी बात है, और जिनको नहीं आता वो भी क्वेश्चन जरूर लगाएं, तभी तो आपको ऐसी नई चीज़ें देखने को मिलेंगी, इसलिए आप क्वेश्चन रेगुलर लगाया करिए। बताइए, देखिए सबसे पहले देखिए, पार्टी फॉर पीस डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट ये मोजाम्बिक की है, रिवोल्यूशनरी यूनाइटेड फ्रंट ये साइरा लियोन की है, ये 1991 में बनी थी, नेशनल रेजिस्टेंस मूवमेंट ये कहाँ का है, ये युगांडा का है, डी है प्रोमो लिबरेशन फ्रंट, एक ही ऑप्शन बचा इथोपिया, ये फ्रंट 1973 में बना था। अब ए का सेकंड हो गया, ए का सेकंड है, बी का थर्ड है, बी का थर्ड, सी का फोर्थ और डी का फर्स्ट, यानी कि इसका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये देखिए इवेंट्स दिए हुए हैं, आपको इनको ईयर वाइज लगाना है, अमेरिकन विड्रॉल फ्रॉम वियतनाम, वियतनाम विड्रॉल फ्रॉम कंबोडिया, चाइना इन्वेंशन ऑफ वियतनाम, वियतनाम इन्वेंशन ऑफ कंबोडिया, वियतनाम से अमेरिकी वापसी किस साल हुई थी, तभी जब आपको ईयर पता होगा तभी तभी ईयर वाइज लगाएंगे। वियतनाम विड्रॉल फ्रॉम कंबोडिया, कंबोडिया से वियतनाम की वापसी, वियतनाम पर चीन का आक्रमण, कंबोडिया पर वियतनाम का आक्रमण। इसका आंसर भी बताना आसान नहीं होगा आपके लिए। देखिए मैं बताती हूँ आपको, सबसे पहले है अमेरिकन विड्रॉल फ्रॉम वियतनाम, कब अमेरिका ने अपनी फोर्स को वियतनाम से वापस बुला लिया था, 1973 में। वियतनाम विड्रॉल फ्रॉम कंबोडिया, कंबोडिया से वियतनाम ने अपनी फोर्स कब बुलाई थी, 1989 में। चाइना इन्वेंशन ऑफ वियतनाम ये 1979 में, और फोर्थ है वियतनाम इन्वेंशन ऑफ कंबोडिया, ये कब हुआ, 1978 में हमला हुआ था और 1989 में कंबोडिया ने वियतनाम से अपनी फोर्स वापस बुला, वियतनाम ने कंबोडिया से अपनी फोर्स वापस बुला ली थी, सॉरी। बट देखिए अब आप ईयर वाइज लगा लिए, अब इसका आंसर बताइए ए बी सी डी में से। सबसे पहले कौन सा इवेंट है, सबसे पहले है अमेरिका विड्रॉल फ्रॉम वियतनाम 1973, फिर है वियतनाम इन्वेजन ऑफ कंबोडिया 1978, फिर है चाइना इन्वेजन ऑफ वियतनाम 1979, और लास्ट है वियतनाम विड्रॉल फ्रॉम कंबोडिया 1989। यानी कि सबसे पहले फर्स्ट है, फिर फोर्थ है, फिर थर्ड है, फिर सेकंड है, यानी कि इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये वॉर चल रहा था, देखिए अमेरिका और वियतनाम का वॉर था, वियतनाम और कंबोडिया का वॉर था, और चाइना और वियतनाम का वॉर था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इलेवेंथ क्वेश्चन देखिए, ये इजी क्वेश्चन है सबके लिए, ये इजी होगा।
अंडर द इंडस वाटर ट्रीटी इंडिया हैज गिवन द एक्सक्लूसिव राइट ओवर द रिवर ऑफ। सिंधु जल संधि के तहत भारत को नदियों पर विशेष अधिकार दिया गया है। किन नदियों पर बताइए भारत को अधिकार दिया गया है? चेनाब, राबी, ब्यास, इंडस, सतलज, झेलम। ये सतलज है फिफ्थ, बताइए। अब ये इंडस वाटर ट्रीटी में इतनी रिवर्स हैं, अब इनमें से कुछ इंडिया को है और कुछ पाकिस्तान को का अधिकार है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखिए, इंडिया का अधिकार रावी पे है, ब्यास पे है और सतलज पे है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। इसका आंसर तो सबको, मोस्टली लोगों को आता होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन है, इंडिया हैज काला पानी एंड सुस्ता टर्शियर डिस्प्यूट विथ। भारत के साथ काला पानी और सुस्ता क्षेत्रीय विवाद है। किसके साथ है आपको बताना है? बांग्लादेश के, भूटान के, नेपाल के या म्यांमार के? देखिए, टर्शियर डिस्प्यूट्स भी एग्जाम में आते हैं, फिर चाहे वो चाइना के साथ हो या पाकिस्तान के साथ हो, या ये डिस्प्यूट है आपको बताना है ये किसके साथ है, एग्जाम में इस पे क्वेश्चंस आते हैं, बताइए इसका आंसर क्या होगा? काला पानी और सुस्ता। देखिए, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेपाल के साथ ही भारत का काला पानी और सुस्ता क्षेत्र को लेकर विवाद है। भारत क्या कहता है? भारत कहता है कि काला पानी के जो ईस्ट में रिवर है वो मेन काली रिवर है, और नेपाल कहता है कि काला पानी के वेस्ट में जो रिवर है वो मेन काली रिवर है। आपको इसका आंसर मिल गया। इस तरह आप देखिए, जितने भी इंडिया के साथ जो भी कंट्रीज सिलेबस में मेंशन हैं, आप उनके उनका रिलेशन जाकर देखिए, और जहाँ जहाँ टर्शियरी डिस्प्यूट्स है किसी कंट्री के साथ, उसको स्पेशली फोकस करके पढ़िए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 13th क्वेश्चन देखिए, द साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साफ्टा हैज नॉट बीन अ सक्सेस बिकॉज ऑफ। दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार समझौता साफ्टा की वजह से सफलता नहीं मिली है। आपको बताना है कि साफ्टा को किन कारणों से सफलता नहीं मिली है। फर्स्ट है नैरो एक्सपोर्ट बेस ऑफ कंट्रीज, देशों का संकीर्ण निर्यात आधार। सेकेंड है लैक ऑफ बायलेटरल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौते का अभाव। थर्ड है पॉलिटिकल हर्डल्स, राजनीतिक बाधा। बताइए कि कौन कौन से कारण हैं साफ्टा सक्सेसफुल नहीं हो पाया, किन किन कारणों से? फर्स्ट और सेकेंड है, फर्स्ट और थर्ड है, सेकेंड और थर्ड है, और फर्स्ट सेकेंड या फिर तीनों ही कारण है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखिए, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि नैरो एक्सपोर्ट बेस ऑफ कंट्रीज और पॉलिटिकल हर्डल्स, राजनीतिक बाधा की वजह से साफ्टा सफल नहीं बन पाया है। अब साफ्टा ये एग्रीमेंट बताइए हुआ कब था? ये हुआ था 12th साक समिट इस्लामाबाद पाकिस्तान में हुई थी 2004 में, वहां से साफ्टा निकल के आया, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वहां से ही निकल कर आया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए कि हम टैरिफ्स कम कर देंगे या लेस कर देंगे या नहीं लेंगे, तो ये कंट्रीज आपस में इन्होंने ये एग्रीमेंट साइन किया था 2004 में, जहां पर 12th साक समिट चल रही थी इस्लामाबाद पाकिस्तान में। आपको इसका आंसर मिल गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 14th क्वेश्चन, द मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे, श्रीलंका हैज हैंडेड ओवर विच स्ट्रेटेजिक पोर्ट टू चाइना फॉर आ 99 ईयर लीज। श्रीलंका ने 99 साल के पट्टे के लिए चीन को कौन सा रणनीतिक बंदरगाह सौंप दिया है? हम्बरटोटा, त्रिनकोमाली हार्बर, पोर्ट ऑफ कोलंबो या पोर्ट ऑफ गाले, बताइए इसका आंसर क्या होगा? कौन सा वो पोर्ट है जिसे श्रीलंका ने चाइना को दे दिया है अगले 99 सालों के लिए? सबको इसका आंसर आ रहा होगा, जिनको नहीं आ रहा है वो जान लें कि हम्बरटोटा पोर्ट को श्रीलंका ने
चाइना को 99 साल के लिए पट्टे पर दे दिया है। देखिए 2017 में दिया था, जब ये पोर्ट श्रीलंका बना रहा था तो उसने काफ़ी कर्ज ले रखा था अदर कंट्रीज से, चाइना से बहुत कर्ज लिया था उसने। चाइना इनफैक्ट मदद कर रहा था एक तरीके से श्रीलंका की, पर वो कहीं ना कहीं कर्ज के रूप में तो श्रीलंका पर चढ़ ही रहा था। तो उन सारे जो कर्ज थे, जो लोन था, वो श्रीलंका पर काफ़ी ज़्यादा हो गया था। तो श्रीलंका ने हम्बनटोटा पोर्ट, यानी इसका एक और नाम है मगमपुरा महिंदा राजपक्षा पोर्ट, ये पोर्ट चाइना को 99 सालों के लिए लीज पर दे दिया, और इसके की इस बंदरगाह पर आपका नियंत्रण होगा। पर श्रीलंका ने यह भी कहा है कि इस पोर्ट को चाइना अपने सैनिक अड्डे के रूप में इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 15th क्वेश्चन देखिए, UNGCP वॉज अडॉप्टेड बाई UN ऑन विच डेट। UNGCP क्या है? यूनाइटेड नेशन गाइडलाइंस फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन को यूनाइटेड नेशंस ने, संयुक्त राष्ट्र ने किस तारीख को अपनाया था? 22 दिसंबर 2015 को, 16 अप्रैल 1985 को, 18 अप्रैल 1985 को, 24 दिसंबर 2015 को, बताइए। UNGCP, यूनाइटेड नेशन गाइडलाइन फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन, इसे यूएन ने कब अपनाया था? यूएन आपके सिलेबस में है, इसलिए आप यूएन के बारे में सब कुछ पढ़ लीजिए, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 16 अप्रैल 1985 को UNGCP को यूएन ने अपनाया था, करेक्ट। देखिए आज इतने ही क्वेश्चंस थे, और अगर आपको क्वेश्चन कलेक्शन अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिएगा, अपना स्कोर कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा, और अगर इसके पहले आपने पॉलिटिकल थ्योरी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इंटरनेशनल रिलेशंस के क्वेश्चंस नहीं लगाए हैं, क्विजेस नहीं लगाए हैं, तो जा करके चैनल के प्लेलिस्ट में सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिए, जो भी स्कोर करते हैं कमेंट में मेंशन करिए, आप सेल्फ एनालाइज खुद को कर पाएंगे, क्वेश्चन लगाया करिए, इसीलिए तो ये सीरीज चल रही है। जब आप क्वेश्चन नहीं लगाएंगे तो ये काम किसके आएगी, इसलिए आप क्वेश्चंस लगाया करिए, तभी आप एग्ज़ाम में भी अच्छा कर पाएंगे। एकाएक आप एग्ज़ाम में जा करके पेपर नहीं पास कर सकते जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, और प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, इसलिए क्वेश्चंस आप लगाया करिए। और आज आप जो भी स्कोर गेट किए हैं कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा, और अगर आपको कोई डाउट है तभी आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और इस वीडियो को अपने उन सारे फ्रेंड्स शेयर करिएगा जो UGC नेट पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा फॉर ऑल द डेली वीडियो अपडेट्स। Thank you.